वाह, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज हम बनाएंगे ऐसा हेल्दी नाश्ता जो बनाने में आसान और खाने में बहुत ही चटपटा। हाय, मैं हूँ दीपा, निर्मल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लेंगे पत्ता को भी, उसे हम बारीक काट लेंगे। कॉर्न, इसको हम नमक डाल के बॉईल कर लेंगे। प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे, और धनिया साफ करके धोकर काट लिया है। एक टमाटर, उसे भी हमने काट लिया है, और लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बना ली है। अब चलिए हम बनाते हैं इसका घोल। एक कटोरी सूजी में हम डालेंगे 1/4 कटोरी जितना चावल का आटा। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मची चिली फ्लेक्स, आधी चम्मची बारीक किया हुआ काला मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार इसमें अब डालेंगे नमक। अगर हमारे पास सूजी और दही है तो फिर घर में जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स है वो हम डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो हमने लिए हैं वो ही आपको लेने हैं। आप इसमें कोई भी मन चाहे अपने वेजिटेबल्स उसमें डाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम डाल रहे 3/4 कटोरी जितना दही। अभी हम सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आधी कप जितना पानी डालकर मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं। अभी हम वेजिटेबल्स डालेंगे, उसके बाद में भी हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ना डोसे जैसा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। देखिए, अब हम इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं और बारी बारी से सभी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, कॉर्न, प्याज, कैबेज, पत्ता गोभी। अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब देखिए, मैं स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे धनिया और बहुत बेहतरीन तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब रह गया हमारा टमाटर। टमाटर में काटते समय मैंने उसके बीजे निकाल लिए थे, इसलिए उसमें पानी नहीं है। बहुत अच्छे से हमने इसे कट कर लिया था। हल्दी, लाल मिर्च, ये ऐसे हेल्दी बाइट्स है कि इसमें आप कोई भी मसाला या कोई भी वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से। देखिए अपना, अब इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। अपना घोल तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक कर रखा है। अब देखिए, मैंने एक पैन में 2 चम्मची जितना तेल ले लिया। इसमें राई डालकर गरम कर लेंगे। जैसे ही राई फूटने लगे, हमने इसमें डाला है हींग, और 2 से 2.5 चम्मच जितना हम डालेंगे इसमें तिल, और तिल को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे और अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे, ताकि हींग, राई और तिल अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब हमारा जो घोल बना है उसके 2 से 2.5 चम्मच इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से इसके ऊपर बिछा देंगे, स्प्रेड कर देंगे। ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में इतना आसान है कि ये फुल प्रूफ रेसिपी है, कभी ना फेल होने वाली, और बच्चे और बड़े सभी इसको पसंद करते हैं। हमारे घर में तो ये नाश्ता बनता ही बनता है। इसके ऊपर भी मैंने तिल बिछा दिए हैं। अभी हम इसको कवर करके होने देंगे। एटलीस्ट 5 से 7 मिनट हम इसे कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बीच में भी चेक कर सकते हो, और नॉनस्टिक इसीलिए लिया है हमने कि ये अच्छे से हमें तैयार हो जाए और जले नहीं। देखिए, और नॉनस्टिक में क्या होता है कि नीचे लगता नहीं है, आराम से इसको हम टर्न कर सकते हैं।
तो देखिए ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया, अभी हम इसको फ्लिप करेंगे। देखिए इसको फ्लिप कर दिया है, कितना बढ़िया, वाओ, इसको देखते ही खाने का मन होता है ना। और गरम गरम ये हेल्दी बाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जब चाहे तब बना लो, बस सूजी और दही हो, फिर सादा आप उसमें प्याज भी डालोगे और हरी मिर्च डालोगे तो भी ये इतना ही टेस्टी लगेगा। अब बस 2 मिनट और होने देते हैं कि हमारे हेल्दी बाइट्स तैयार हैं। लो जी, हमारे हेल्दी बाइट्स तो तैयार हो गए। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया दिख रहे हैं, स्वाद में इतने ही बढ़िया हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे आशा है कि आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। अक्सर हमारे बच्चे वेजिटेबल्स खाने में आनाकानी करते हैं, उन्हें कभी प्याज अच्छा नहीं लगता है तो कभी पत्ता को भी खाने का मन नहीं करता है। ऐसे में अगर हम ऐसे हेल्दी बाइट्स बनाकर खिलाएंगे तो वो खुशी खुशी खा लेंगे, है ना। फ्रेंड्स आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आशा है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही इजी और झटपट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।